आज हमारा जो एक डेलीगेशन है हाटी समुदाय का, जो हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल है महामहिम शुक्ला जी, उनसे मिला और एक सबसे पहले हमने इनका जो स्वागत किया है यहाँ पे, ऐसे विद्वान व्यक्ति को स्टेट का गवर्नर बनाया गया है, ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। माननीय शुक्ला जी के समक्ष हमने विभिन्न जो हमारा हाटी समुदाय है उसकी जो लंबे समय से एक मांग थी वह उनके समक्ष रखी। परसों की वाली बात है सर, जे हिसाब से रोल जब की हमने तो खिदर थी हमने ते का तो पूरा दुख हो जे बाणी है नहीं है रमाणी है बेन दालिया को कुल बतान जो इधर में है भाई हो कब तू बोले भाई एक ताक करो एक ताक करो एक ताक करो एक दम बोली थी हम बैठे होने शुरू हुए पार्टी की जाति की भाइया मिल के जब हमें सरकार से मांगी तो सरकार ने मांग पूरी कर पाए, पर हमारी बुद्धि दया पड़दा पड़ा की है बोले भाई है सुनिए बोले भाई लागी प्रकृति झूल अब से ये सरकार है बिठाए दो फिर झूल। ये हमने कलेक्टिव डिसीजन ये लिया था कि हमारे बोर्ड का हकदार वो होगा केंद्रीय समिति ने जो हमारा काम करेगा, तो माननीय जयराम ठाकुर ने हमारा काम किया है तो हमारे बोर्ड का हकदार वो है और हमने इनको इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था। एसटी स्टेटस की मांग को लेकर हिमाचल के राज्यपाल से मिला हाटी समिति का प्रतिनिधिमंडल। लोकसभा से पारित हो चुके गिरिपार को जनजातीय दर्जा संबंधी बिल को राज्यसभा से पास करवाने का आग्रह किया। 55 साल पुरानी मांग को सिरे चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया। गत विधानसभा चुनाव में हाटी समिति ने एसटी स्टेटस के मुद्दे पर किया था भाजपा को समर्थन। 155 पंचायतों वाले गिरिपार क्षेत्र की 103 पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में हुई भाजपा की हार। गत चुनाव में कांग्रेस को 80% से ज्यादा एससी वोट मिलने का दावा करते हुए भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सरकार से कर चुके हैं एससी स्टेटस के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की मांग। पिछले करीब 55 साल से गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने की मांग कर रही हाटी समिति का प्रतिनिधिमंडल आज हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल हाटी समिति एचबीएम अध्यक्ष प्रदीप सिंहटा, अतर सिंह तोमर, डॉक्टर रमेश सिंहटा, कपिल व अनु शर्मा ने इस दौरान महामहिम को पारंपरिक सिरमौरी अस्त्र डांगरा भेंट कर सम्मानित किया। हाटी समिति पदाधिकारियों के अनुसार उन्होंने गत विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा से पारित हो चुके गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस संबंधी बिल को जल्द राज्यसभा से पास करवाने का आग्रह गवर्नर के माध्यम से केंद्र सरकार से किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट व लोकसभा से गिरिपार की करीब 1,60,000 के सवर्ण अथवा राजपूत ब्राह्मण जैसी आबादी को एसटी स्टेटस संबंधी बिल लोकसभा से पारित करवाने व केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी आभार जताया। गौरतलब है कि करीब 55 साल पुरानी अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग सिरे चढ़ने अथवा इसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के चलते गत नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हाटी समिति ने भाजपा को समर्थन का ऐलान खुले मंचों अथवा मीडिया के सामने किया था। हालांकि इसके बावजूद ट्रांसगिरी की 155 पंचायतों में से 103 पंचायतों वाले शिलाई व संगड़ा अथवा शिलाई व रेणुका जी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों की हार हुई थी। हाल ही में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष रावी दलित गिरिपार के 80% से ज्यादा एससी वोट कांग्रेस को मिलने का दावा करते हुए प्रदेश की कांग्रेस तथा सुखविंदर सुक्खू सरकार से जल्द एसटी स्टेटस के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की मांग कर चुके हैं। महामहिम राज्यपाल से मुलाकात के दौरान हाटी समिति ने उन्हें बैशाख माह में गिरिपार में शुरू होने वाले विशु मेलों में से किसी एक में शिरकत करने का भी आमंत्रण दिया। देखिए आज हमारा जो एक डेलीगेशन है हाटी समुदाय का, जो हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल है महामहिम शुक्ला जी, उनसे मिला और एक सबसे पहले हमने इनका जो स्वागत किया है यहाँ पे, ऐसे विद्वान व्यक्ति को स्टेट का गवर्नर बनाया गया है ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। माननीय शुक्ला जी के समक्ष हमने विभिन्न जो हमारा हाटी समुदाय है उसकी जो लंबे समय से एक मांग थी वह उनके समक्ष रखी। माननीय शुक्ला जी ने हमें आश्वस्त किया कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष इसको रखा जाएगा और इसमें मात्र जो औपचारिकता बची है वह पूरी की जाएगी और लाखों लोगों को इसका शीघ्र ही हक मिलेगा। महामहिम जो हमारा हाटी कल्चर है, अभी विशु फेयर वहाँ पे चलने हैं एक महीने में, तो हमने उन्हें न्योता दिया कि वहाँ की हाटी जो कल्चर है विशु फेयर होता है उसमें महामहिम जो शुक्ला जी है उनको निमंत्रण दिया गया, तो महामहिम शुक्ला जी ने इसके लिए हामी भरी है। शीघ्र ही हम दोबारा इनसे एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, पूरी व्यवस्था के अनुसार वहाँ पे इनका दौरा करवाया जाएगा। देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका विजन क्लियर है,
छोटे से हिंदुस्तान के छोटे से सेक्शन में या छोटा सा जो भी समुदाय है उसको हर प्रकार का जो दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उसका उत्थान होना चाहिए, उसी संदर्भ में माननीय मोदी जी ने भी जो एक छोटे छोटे सेक्शन है उनके उत्थान के लिए कार्य किया है। जहां तक बात है पेच फंसने की, इसमें कुछ पेच नहीं फंसा है। हम आभारी है जब कैबिनेट से घोषित, कैबिनेट से अप्रूव हुआ, उसके बाद लोकसभा से दिसंबर में ये पारित हुआ। अब केवल एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, उससे ये मामला गुजर रहा है। और हमने महामहिम राज्यपाल जी से भी यही आग्रह किया कि जो बचा हुआ बजट सेशन है इसमें ही ये जो राज्यसभा से पारित हो। इसमें षड्यंत्र हुआ हमारे साथ, कई बांटा गया कि ये एसी समाज है, ये ओबीसी समाज है, ये राजू समाज है, लेकिन हमारी जो लड़ाई थी वो 14 जातियों का एक समूह हाटी था, और हाटी के लिए हमने प्रयास किया, खुद साथ खड़ा है। हमें जो ओबीसी समाज है ना, आज तक कोई हमने इसमें ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि हम हाटी जो समुदाय में हैं नहीं आना चाहते, एसटी में नहीं आना चाहते, हम बिल्कुल एसटी में आना चाहते। वो जो ओबीसी संरक्षण समिति बनी है वो जो हमें स्टेट के जो हमें बेनिफिट मिलते हैं उसके लिए बनी है। जब ये हाटी एसटी हो जाएगा उसके बाद जो हमारे स्टेट के जो अधिकार है वो ना समाप्त हो, इसके लिए वो बनी है। और जो हमारी जो प्रदेश में सरकार है उसके साथ जब ये हाटी का जो मुद्दा है हो जाएगा उसके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो अधिकार वो नहीं मरेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा अगर आज यहाँ तक पहुँचा है तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा एक योगदान है। देखिए, ये अंतिम चरण तक ये पहुंचा है, और इसके लिए हम केंद्र सरकार का, सभी हाटी बंधुओं का, जिन्होंने मिलके जो हमारा महाकुंभलियों का एक दौर शुरू हुआ था वो अंतिम पड़ाव पे पहुंचा है। और आज जो राज्यपाल जी से मिलने सिर्फ इसी मुद्दे पे हम गए थे, एक तो इनका स्वागत और धन्यवाद इनकी यहाँ पे जो भी ये नए ज्वाइन किया है, तो हमें सिर्फ इनसे इतनी बात करने का था कि जो ये बचा हुआ सेशन है इस पे हमारा राज्यसभा से हो जाए, ताकि जल्दी से लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिल सके, और लोगों को जो है जो पुरानी मांग है वो पूरी हो सके, जाति के लोगों के अधिकार सुरक्षित रहे, और जो ये गिरिपार में जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर ये अभी हाल ही में जो हाटी समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला है, और उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम इसे राज्यसभा में पास करवा कर रहेंगे, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए हमें समय दें, ताकि हम अपनी बात उनके समक्ष रख सकें, और किसी भी हाल में हम जनजातीय दर्जा जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति के जो अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए हम एक बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, और सर्वप्रथम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, हम उनसे मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और मांग करेंगे कि इस जो इसको लेकर जो है एक प्रस्ताव तैयार किया जाए और इसे केंद्र सरकार से निरस्त करने की मांग की जाए।